बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। आप सभी किसान भाई बहनों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा। बैगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा पर्पल लौंग। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों से निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। इससे किसान टिकाऊ खेती को अपना सकते हैं। किसान भाई, गेहूं फसल को दीमक कीट से बचाएं, यह फसलों को नुकसान पहुंचाता है। दीमक गेहूं के पौधों की जड़ों का रस चूस लेती है, जिसके कारण कुछ ही दिनों में पौधा सूख जाता है। किसान भाई, गेहूं फसल को दीमक कीट से बचाने के लिए क्लोरोफायरीफोस दवा 1 लीटर 10 किलो बालू में मिलाकर छिड़काव करें, उसके बाद सिंचाई कर दें। इससे दीमक कीट का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। किसान बंधु, गेहूं फसल में जो हम लोग कीटों की बात करते हैं, तो इसमें सबसे प्रमुख जो झारखंड के लिए वह है दीमक कीट है। अगर दीमक का नियंत्रण करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाइफेंथ्रीन, बाइफ्लैक्स है या क्लोरपायरीफॉस है, इसका जो है 1 लीटर आपका 10 किलो बालू में मिला करके अगर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद जो है सिंचाई करते हैं, तो एटलीस्ट जो है दीमक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। बैगन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी, बनारस जैंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण मणि लगाएं। बैगन की खेती के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण एवं खेत की तैयारी के लिए भक्सर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के बारे में। सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट लगने का खतरा रहता है। इस कीट के प्रकोप से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियान नामक दवा की 18.5 मिलीलीटर मात्रा में नीम का साबुन या नीम का तेल मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेतीबाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।
देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवम्बर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। है जानकारी की। और अभी ठंड का मौसम चल रहा है, मटर तो मिलता ही है, तो आज की जानकारी है मटर की खेती और देखभाल के बारे में। एक फीचर के माध्यम से हम आपको आज जानकारी दिलवाते हैं, आइए देखते हैं। सर, हमारे किसान भाई अभी जैसे मटर की खेती की हम बात करने जा रहे हैं, तो मटर की खेती का जो उचित समय है लगाने का वो क्या होगा सर? किसान भाइयों, मटर का जैसा कि आप जानते हैं, मटर आगात भी लगता है, मुख्य सीजन लगता है और पिछात भी लगता है। आगात जो लगता है वो सितंबर में ही लग जाता है, वो अब बाज़ार में आने लगा है, बाज़ार में काफ़ी दिनों से बाज़ार में उपलब्ध हो चुका है। उसमें आरकेल प्रभेद बहुत उपयुक्त है जो आगात लगता है। उसके अलावे काशी उदय करके एक प्रभेद है, वो भी आगात में चलता है और बाज़ार में प्राइवेट कंपनी के भी बहुत सारे आगात प्रभेद उपलब्ध है। जो मुख्य सीजन लगाने का होता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का होता है और ये दिसंबर जनवरी में इसके फलियाँ आते हैं। इसमें बहुत सारे प्रभेद है, जिसमें PM 113 है, आज़ाद P1 है, कोमल है, इस तरह के बहुत सारे प्रभेद हैं। पंत सब्जी मटर 3 है, काशी नंदिनी है, काशी सुरक्षा है, इस तरह के प्रभेद हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन मटर के कुछ फसल लेट भी लगते हैं, जैसे दिसंबर में भी लगाते हैं, जो जाके मार्च में इसके फली आते हैं जब सारे मटर ख़त्म हो चुके रहते हैं। तो उस समय चूँकि फरवरी के बाद मटर में रोग आ जाता है पाउडरी मिल्डी नाम के, उसके पत्ते में पाउडर पाउडर जैसे कुछ हो जाते हैं, फिर बाद में भूरे काले होते हैं और फसल को नुकसान पहुँचा
जाते हैं, फलियों में भी इसका सिम्टम दिखाई पड़ता है। तो पिछात प्रभेद वही लगाएं जो इनसे रोग रोधी हो। उसके लिए जैसे काशी सुरक्षा है जो पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट है, फिर का स्वर्ण मुक्ति और स्वर्ण अमर प्रभेद हैं, या और दूसरे प्रभेद हैं बाजार में उपलब्ध हैं जो कि पाउडरी मिल्ड्यू से रोग रोधी हैं, वैसे ही फसल का आप चयन करेंगे अगर आप पिछात लगाना चाहते हैं। ये दिसंबर के महीने में भी आप चाहें तो लेट मटर लगा सकते हैं, थोड़ा उत्पादन कम होगा लेकिन बाजार में मूल्य आपको अच्छा मिलेगा। हमारे किसान भाई क्या अभी जो लगा रहे हैं या लगा चुके हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? किसान भाई अगर आप मटर का फसल लगा चुके हैं तो एक चीज़ आप ध्यान दें, खरपतवार का इसमें नियंत्रण करें, उसमें खरपतवार ना हो इसका आप ध्यान रखें। फूल आने की अवस्था से पहले ही आपको इसमें यूरिया की एक हल्की टॉप ड्रेसिंग करनी है। मैं ये भी बताते चलूँ कि मटर में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, खासकर जो नाइट्रोजनस है, नाइट्रोजन जो है वो कम होता है। इसके लिए हम लोग सब्जी मटर के लिए 40 kg नाइट्रोजन, 80 kg फॉस्फोरस और 40 kg पोटास अनुशंसित किया जाता है। इसके लिए यूरिया की आप DAP के रूप में आप लगाने से पहले दिए हैं वही काफ़ी है, और जो आधा अनुशंसित मात्रा है वो आप रोपाई के पहली कोड़ाई जो 15 दिन बाद करते हैं उस समय आप हल्का यूरिया का भुरकाव करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और एक ही बार करेंगे, ये ध्यान रखें। और ये रोपाई से 15 से 20 दिनों के अंदर ही आप कर लेंगे। और पानी की सिंचाई, और सिंचाई मटर में, सिंचाई की जहाँ तक बात है तो मटर में हल्की सिंचाई करेंगे, ज़्यादा पानी लगने से पीले हो जाएंगे। अगर आपकी मिट्टी भारी है तो आपको सावधानी से सिंचाई करना है, भारी मिट्टी में 1 से 2 सिंचाई ही काफ़ी होता है। लेकिन अगर बलवाही मिट्टी में आप लगा रखे हैं तो 4-5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि मटरों को आप हमेशा मटर को छोटी छोटी क्यारियों में लगाएं और समतल करके लगाएं, कभी भी पानी जमना नहीं चाहिए। मटर चाहे अंकुरण से पहले भी अगर पानी आप अधिक जमा देंगे तो अंकुरण नहीं हो पाएगा। मटर के पौधे निकल आए हैं उस समय भी अगर अधिक नमी हो जाएगी तो मटर के पौधे पीले पड़ जाएंगे और मटर का फसल बर्बाद हो जाएगा, ये ध्यान रखें। पानी की आवश्यकता इससे है लेकिन हल्की, हमेशा हल्की सिंचाई, और बहुत जल्दी जल्दी पटाने की ज़रूरत इसको नहीं है। जाड़े ये सह लेते हैं, इवन जो पाला गिरता है उससे भी बहुत अधिक इसको नुकसान नहीं होता है। मटर चूँकि जाड़े सहने वाली फसल है इसलिए आपको बहुत चिंतित नहीं होना है, ये पौधे मरेंगे नहीं जाड़े से। लेकिन सिंचाई आप आवश्यकता अनुसार ही करें, अधिक सिंचाई मटर को नुकसान करता है, अधिक यूरिया देना मटर को नुकसान करता है, इसका हम जरूर ध्यान रखें। सर हम बात कर रहे हैं मटर की, जब खेती हम कर ही रहे हैं तो उसमें रासायनिक दवा की बात तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो जैविक तरीके से अगर मटर की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मतलब रसायन? देखिए मैं ये बताते चलूँ कि पहले मैंने कहा कि इसमें बहुत अधिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बहुत उपजाऊ मिट्टी है तो थोड़ा DAP पोटास दे के आप लगा लेते हैं, जहाँ मैं 40-80 और 40 NPK की बात कहा। अगर उपजाऊ मिट्टी है तो ये 20-40-20 में भी आप इसको ला सकते हैं, थोड़ा अगर आप कंपोस्ट इसमें डाल रहे हैं तो। दूसरा कि आमतौर पर बीमारी इसमें नहीं लगते, कीड़े भी कम लगते हैं, और रोग रोधी किस्म अगर आप इसमें, एक विल्टिंग होता है मटर में, किसी किसी में एक किनारे से मटर सूखने लगते हैं तो उसके लिए स्वर्ण अमर और स्वर्ण सुरक्षा जैसी वेराइटी उपलब्ध है, उसको आप लगा सकते हैं। काशी सुरक्षा और स्वर्ण अमर ये दो वेराइटी हैं जो विल्ट रेसिस्टेंट है। उसके अलावे स्वर्ण मुक्ति है, काशी सुरक्षा है, ये प्रभेद है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट है, तो आप उनको लगाएंगे तो वैसे ही इसमें नहीं होंगे। एक सब्जी मटर 3 है, ये भी पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट है। इस तरह के प्रभेद का अगर आप चयन करते हैं तो ये रोग रोधी हैं, आपको दवा की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ चूंकि ये जाड़े का मौसम है, इस समय ऐसे भी कीड़े नहीं के बराबर दिसंबर जनवरी में होते हैं, तो रसायन का प्रयोग मटर में, अगर हम लोग एक और सलाह देते हैं कि अगर आप जैविक खेती में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले किन फसल को चुनेंगे, तो सबसे पहले आप मटर जैसे फसल को चुनेंगे। चूंकि जैविक तरीके से मटर की आप सफलतापूर्वक इसलिए कर सकते हैं कि कीड़े बीमारी इसमें नहीं के बराबर लगते हैं। दूसरी बात कि इसमें पोषक तत्व, रासायनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो आप अगर अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी में बढ़िया से कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट दे के किए हैं, उसके अलावे जो जैविक कुछ बाज़ार में उपलब्ध हैं जैसे सागरिका इफ्को का है, उसका अगर स्प्रे कर देते हैं तो पोषक तत्व वहाँ से भी मिल जाता है, कुछ हार्मोन्स मिल जाता है, तो आप सफलतापूर्वक जैविक तरीके से भी मटर की खेती आप कर सकते हैं। मेरी ये सलाह होगी कि अगर आप जैविक खेती में बढ़ रहे हैं तो पत्तेदार सब्जियों की खेती करें, मटर की खेती करें, भिंडी की खेती करें, लौकी की खेती करें, नेनुआ झिंगी की करें, तो निश्चित रूप से आप सब जैविक की तरफ जाएंगे। क्योंकि जैविक की बात हुई इसलिए ने बता दिया, उसमें से मटर सबसे पहला चॉइस होना। आप बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और लेबर की कमी है, तो एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि आप खेत को अच्छे तरीके से जुताई कर ले, उसके जितने भी खर पतवार के इनोकुलम है, छोटे छोटे डंटल उसके जड़ हैं, उसको आप निकाल लें खेतों से। और मटर बुआई के तुरंत बाद, सिंचाई करने के से पहले मटर को जैसे बुआई करें और ब्यूटा क्लोर
नाम की दवा आती है उसको मिट्टी में आप छिड़काव कर दें 2 से 3 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर की दर से, और उसके बाद आप 3-4 दिनों बाद उस खेत की पटवन करें। तो जितने भी निकलने वाले प्री इमरजेंस, जो इसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, यानी घास निकलने से पहले, मटर के निकलने से पहले, तो बीटा क्लोर का जब आप स्प्रे करेंगे तो खरपतवार नहीं उगेंगे, सिर्फ मटर उगेंगे। तो इस तरीके से आप केमिकल तरीके से भी हर्बिसाइड इस्तेमाल करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ खरपतवार आ जाते हैं तो 15 दिनों बाद एक बार आप कोड़ाई करेंगे, दूसरी कोड़ाई 30-35 दिनों पर करेंगे, और हल्की हल्की अर्थिंग अप कर देंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ा देने से खरपतवार नहीं के बराबर आते हैं, और जड़ के पास बहुत अधिक नमी भी नहीं होती है, जिससे एक्सेस नमी की वजह से जो नुकसान होने की संभावना रहती है वो नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से प्रबंधन आप करेंगे तो आपको अधिक उत्पादन मिल पाएगा। सर, हमारे किसान भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इससे काफ़ी लाभ उठा सकते हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा अगर सर की कही बातों को वो अगर ध्यान में रखते हैं तो। सर, हमारे किसान भाइयों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धन्यवाद आपको भी, किसान भाइयों को भी। कबारी है दूसरी जानकारी की, तो दूसरी जानकारी है रवि दलहनी फसल लगाने से पहले उसकी देखभाल हम कैसे करें, इस विषय पर करते हैं बातें। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रवि दलहनी फसलें लगाने से पहले उसमें ध्यान देने योग्य बातें, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि रवि के मौसम में कौन कौन सी प्रमुख दलहनी फसलें लगाई जाती हैं। जी जी, ये जो मौसम अभी चल रहा है ये रबी के फसल लगाने का समय है। इसमें हम लोग 2-3 फसलें झारखंड के किसानों के लिए अनुशंसा करते हैं रबी के मौसम में। अधिकतर किसान जानते हैं कि इस समय कौन सी फसल लगती है रबी के मौसम में, जिसमें मुख्यतः गेहूं है। गेहूं के अलावा दलहनी फसलों में मसूर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं। इसके अलावा तेलहनी फसलों में हम इस समय तीसी लगाते हैं। तो इन फसलों को लगाने का सबसे अच्छा समय है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि रबी फसलों को लगाने से पहले किन किन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें हम जब रबी फसलों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है कि सिंचाई की व्यवस्था पर। तो हम रबी फसल लगाने से पहले इन जगहों को चुने जहाँ की अच्छी तरह से सिंचाई की व्यवस्था हो, खासकर गेहूं के फसल में। गेहूं की फसल में सिंचाई अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो हमें पहले अपने सिंचाई की संसाधन को देख लेना है, उसके बाद फसल का चुनाव करना चाहिए। अगर सिंचाई की सुविधा कम है तो उसमें हम चना लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं, तीसी लगा सकते हैं, या फिर एक अन्य महत्वपूर्ण तेलहनी फसल है सरसों, उसको भी हम इस समय लगा सकते हैं। जी, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि चना की फसलों को लगाने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देने योग्य बातें ये रहेगी कि भूमि का चुनाव और किस्मों का चुनाव, किस्म इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इन सब के लिए क्या सही दर होनी चाहिए, कौन से प्रभेद हैं जिनका चुनाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं? जी, चना की फसल के लिए मुख्यतः मध्यम जमीन में हम लोग करते हैं चना की फसल, और इसमें सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। अगर बरसात की समय का नमी खेतों में है धान कटने के बाद, उसके बाद एक जुताई करके अगर नमी बचा रह जाता है तो उसमें चना अच्छी तरह से अंकुरण हो जाएगा, और अंकुरण के बाद 15 से 20 दिनों में एक बार और सिंचाई कर देने से पौधे का विकास होने लग जाता है। तो चना की फसल में सबसे पहले हम लोग भूमि का चुनाव करेंगे, 2 बार देसी हल से जुताई करके उसमें चना का बुआई करेंगे। चना के बुआई हम मुख्यतः पंक्तियों में करते हैं, और पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया, किस्मों का चुनाव। किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम रबी फसलों को लगाने की बात करते हैं। तो चना की फसलों में मुख्यतः 3 तरह से लगती हैं चना की फसल। एक तो समय से बुआई वाली फसलें होती है, और दूसरा है कि देर से लगने वाली फसलें होती है, और तीसरा है कि एक काबुली तरह का चना होता है जो कि दाने बड़े होते हैं। तो इन तरह में अलग अलग किस्में हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि समय से बुआई होती है उन चना के बारे में। इसमें मुख्यतः आता है KPG 49, KWR 108, उसके अलावा BG 30, 43 आता है, उसके बाद एक और नया किस्म अभी आया है
राजस्थान से विकसित हुए, जो कि झारखंड के किसानों के लिए बहुत ही उपयुक्त हम लोग पाए हैं अपने प्रयोगों से, GNG 1581। तो ये किस्मों को लगा के समय से जो लगती है चना, उसमें इन किस्मों का चुनाव करेंगे। ये किस्में हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, जैसे कि अन्य बीज एजेंसियां हैं, NSC, या फिर बहुत बार राज्य सरकार इन बीजों को अनुदान पर भी आवंटित कर रही है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आप जिक्र कर रहे हैं दलहनी फसलों के लगाने के सही समय की बात। जी, तो सही समय क्या होता है और इसके लिए लगाने के लिए किन बातों का ध्यान वो देंगे? जी, सही समय रबी फसलों को लगाने के लिए मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक का है। तो अगर चूंकि अभी जो है नवंबर भी निकल गया है, तो इसमें हम चना में और गेहूं में इसमें देर से लगने वाली अलग तरह के किस्में होती हैं, जो कि अधिक उपज देती हैं, कम बारिश में देती है, और ये देर से लगने के बाद भी इसमें उपज की उतनी क्षति नहीं होती है। तो इन किस्मों का चुनाव हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया चना में हम अभी इस समय के WR 108 लगा सकते हैं। इसके अलावा JG 14, ये भी एक अच्छी किस्में हैं, जो कि देर से लगने वाली किस्में हैं चना में। डॉक्टर साहब, एक सबसे प्रमुख बात आती है कि दलहनी फसलें में लगाने से पहले बीजोपचार करना चाहिए, तो बीजोपचार कैसे करना चाहिए और ये कितना महत्व रखता है फसल लगाने से? जी, बीजोपचार मुख्यतः हम लोग दलहनी फसलों में करते हैं और तेलहनी फसलों में करते हैं। बीजोपचार मुख्यतः हमें जो दलहनी फसल है उसमें एक तो बीज जनित जो रोग होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है, वो खेतों तक नहीं पहुँच पाते हैं, पौधों को नष्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो दलहनी फसल हैं उसमें हम बीजोपचार राइजोबियम से भी करते हैं। राइजोबियम एक जीवाणु खाद होता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण से अपने ज़मीन पर ले आता है, जड़ों में ले आता है, और उसे जो उनकी नेत्रजन की आपूर्ति होती है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से वो ले लेता है। तो इस तरह का जीवाणु आते हैं और इससे भी हम लोग बीज को उपचारित करते हैं, जिसको कि राइजोबियम बोलते हैं। राइजोबियम जो होता है, अलग अलग दलहनी फसलों के लिए अलग अलग राइजोबियम बनता है, और ये एक पैकेट लगभग 10 किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त है। तो हम जब हम बीज शोधन करते हैं तो पहले हम लगाते हैं उसमें फफूंदनाशी एक दवाई लगाते हैं, जिसमें कि थीराम, बेबिस्टीन या कार्बंडेजिम नामक दवाई एक आती है, जो कि बीज जनित फफूंदनाशी जो रोग होते हैं उसे निदान मिलता है। इसके अलावा जब हम फफूंदनाशी उसमें उपचारित कर जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसके कीटनाशी का भी उपचारित करते हैं। इसमें मुख्यतः आता है कीटनाशी में जो हम दीमक के लिए बचाने के लिए पाउडर छिड़कते हैं, पाउडर से बीजों को सान देते हैं अच्छी तरह से, कार्बंडेजिम और इस तरह का जो और कीटनाशक दवाई है उसको प्रयोग करते हुए, और अंत में हम लोग राइजोबियम से उपचारित करते हैं। तो देखा किसान भाई, और डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि दलहनी फसलें लगाने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान देंगे और कैसे उसका लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। और तो कैसी रही जानकारी, अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी रहती हैं, लेकिन अगले अंक में हम आपको ज़रूर दिखलाते हैं, ज़रूर दिलवाते हैं जानकारियाँ। तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 8340001। तो हमें रहता है आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार, और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नया साल सबके लिए शुभ शुभ हो। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।